तो ये है हमारे पास पोको M6 Pro 5G और इसे मैं पिछले 10 दिनों से यूज कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में बताता हूँ किस तरह का ये फोन है, आपको क्या चीजें अच्छी मिलती है, क्या चीजें खराब मिलती है एंड क्या आपको ये वाला फोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो क्विक से अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स खोलोगे आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा, सिम इजेक्टर पिन मिल जाएगा, यूजर मैनुअल गाइड मिल जाएगा एंड आपको एक अच्छी क्वालिटी का TPU केस भी मिल जाएगा भाई, और 22.5 वाट का आपको फास्ट चार्जर मिलता है USB टाइप सी केबल के साथ। तो बॉक्स में सारी सामग्री दे रखी है और फोन प्री अप्लाई स्क्रैच गार्ड के साथ भी आता है। अभी आप इसका डिजाइन देखो ना भाई, तो आपको सेम टू सेम Redmi 12 5G के जैसा डिजाइन लगेगा। इसका लगेगा क्या, मतलब सेम ही है, बस यहाँ पे पोको की ब्रांडिंग डाल दी गई है। बिल्ड क्वालिटी भी फोन की काफी सॉलिड है दोस्तों, जो बैक है आपको ग्लास मिलता है तो काफी प्रीमियम फील देता है। और अगर आप ब्लैक कलर लेने की सोच रहे हो ना, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि लेने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर फिंगरप्रिंट के निशान बहुत आते हैं दोस्तों। अब मैंने फोन का वेट देखा था, 200 ग्राम का इसका वेट है, तो फोन थोड़ा सा हीवी लगता है दोस्तों, आप वन हैंड फोन को यूज नहीं कर पाओगे। बाकी भाई आपको इसमें सारे रेगुलर पोर्ट्स एंड बटन मिल जाएंगे और इसमें आपको आयर ब्लास्टर भी मिलता है, हालांकि आपको इसमें नॉइस कैंसिलेशन माइक नहीं मिलेगा। अब इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया हुआ है जो कि काफी अच्छे से हर बार काम कर जाता है। बाकी इसमें आपको सिंगल स्पीकर मिलता है, चलो मैं आपको इसकी लाउडनेस सुना देता हूँ। वैसे सच सच बताना, गदर 2 किसने देखी बताओ, और कैसी लगी वो भी बताना। खैर स्पीकर की क्लियरिटी अच्छी है दोस्तों, लेकिन लाउडनेस उतनी मेरे को बेटर नहीं लगी, थोड़ी सी और इसकी लाउडनेस अच्छी हो सकती थी। अब ये जो फोन है दोस्तों, एक 6.79 इंच की फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले के साथ आता है एंड फ्रंट और बैक पे आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है। ब्रांड ने एग्जैक्ट बताया नहीं कि 5 है या फिर 6 है, ऐसा मतलब 5 होगा, 6 तो नहीं देंगे। अब ये वाइड बैंड एल्बम को भी सपोर्ट करता है, तो आप OTT पे HDR कंटेंट भी वॉच कर पाओगे। बाकी मैंने YouTube पे कंटेंट वॉच करा था भाई, वीडियो के कलर्स वगैरह काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, डिटेलिंग वगैरह काफी अच्छी प्रोड्यूस करता है। अब इसमें 550 की पीक ब्राइटनेस दे रखी है, तो आउटडोर विजिबिलिटी भी अच्छी है, लेकिन हार्ड सनलाइट में अगर आप फोन यूज करोगे ना, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा दिक्कत करता है। बाकी भाई इसका 90 हर्ट्ज ऑप्टिमाइज है दोस्तों, बाय डिफॉल्ट आपको ये 60 हर्ट्ज पे मिलेगा, लेकिन आप सेटिंग में जाके इसको 90 हर्ट्ज पे कर देना, फिर जो है ये 90 हर्ट्ज पे रेट काम करता है। और अभी तक आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। ये सब मैंने खुद के पैसे से लिया है कि आपको एक होनेस्ट रिव्यू दे सकूं। बाकी 5000 एमएच की बैटरी के साथ आता है, अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो भाई 1 से 1.5 दिन का बैकअप ये आपको इजीली निकाल कर दे देगा। और बॉक्स में आपको 22.5 वाट का फास्ट चार्जर तो मिलता है, लेकिन ये जो फोन है भाई 18 वाट के ही फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो गई दोस्तों, 2 घंटा 30 मिनट लगा था ये फोन 0 to 0 चार्ज करने में। और OS की बात करते तो ये फोन एंड्रॉइड 13 के साथ आता है और आपको MIUI 14 मिल जाएगा। बाकी इसका जो UI है पोको लॉन्चर के साथ आपको मिलता है, MIUI वाला जो UI है वो आपको नहीं मिलता है एंड इसमें ब्लॉटवेयर वगैरह काफी भरे मिलते हैं, 8-8 गेम मिलते हैं, बहुत ही फालतू के एप्लीकेशन है, रिकमेंडेशन वगैरह भी काफी आते हैं। तो यहाँ पे आप जिस भी ऐप को रखना चाहो उसको रखना, जिसको नहीं रखना चाहो उसको आप डिलीट कर देना, उसके बाद आपको एक क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा। अब काफी लोगों को डर लगता है कि ऐसा ना भाई फोन का मदरबोर्ड डेड हो जाए, तो यहाँ पे भाई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे को पोको वाले ने पैसा दिया इसलिए तारीफ करेंगे उसकी, नहीं दोस्तों मजाक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बात कर दे इसकी भाई कैमरास की, तो 50 मेगापिक्सल का ये प्राइमरी सेंसर के साथ आता है और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ लेंस मिलता है। सेल्फी कैमरे की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। अब यहाँ पे फोटोस आप देखो दोस्तों, फोटोस अच्छी आती है, कलर्स वगैरह आपको अच्छे मिलेंगे, डिटेलिंग वगैरह भी अच्छी कैप्चर कर लेता है। अब सेल्फी कैमरा भी फोटोस अच्छी लेता है, वहां पे भी कलर्स वगैरह आपको अच्छे मिलेंगे, डिटेलिंग वगैरह अच्छी होती है। अब यहाँ पे जो लाइटिंग आप देख रहे हो ना, ये नॉर्मल लाइटिंग है, अभी इधर 4-5 दिन से बारिश हो रहा है, तो अच्छी लाइटिंग में मैंने इसका कैमरा टेस्ट नहीं करा, कैमरा टेस्टिंग में आपको प्रॉपर इसका कैमरा का अंदाजा लग जाएगा। बाकी ये जो फोन है 1080p फुल HD पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है फ्रंट रियर दोनों ही से एंड यहाँ पे आप वीडियोस वगैरह चेकआउट कर सकते हो कि ये कैसे वीडियोस रिकॉर्ड करता है। बाकी भाई इसमें आपको स्नैपड्रैगन 4Gen 2 का चिपसेट लगा हुआ मिल जाता है, जो कि इस बजट का ये फर्स्ट ऐसा फोन है जिसमें आपको ये चिपसेट मिल रहा है। अब मेरे पास जो वेरिएंट है 464GB वाला, मैंने इसके अंदर स्कोर निकाली थी, 3,50,000 की इसके अंदर स्कोर निकल के आती है दोस्तों। बाकी यहाँ पे आप गीगबेंच का स्कोर देख लो और CPU थ्रॉटलिंग पे ये मेरे को 87% का मैक्स परफॉर्मेंस निकाल कर दिया है, तो CPU थ्रॉटलिंग पे ये थोड़ा सा थ्रॉटल हुआ है, मतलब चाचा थोड़ा सा गर्म हो रहे थे। बाकी यहाँ पे आप रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो, और अगर आप इसमें VGMI प्ले करना चाहो ना, तो ये आपको 40 FPS की गेम प्ले करा देगा, आपको HD हाई और स्मूथ पे अल्ट्रा की सेटिंग मिल जाती है। मैंने जितना गेम प्ले करा है ना, मेरे को कहीं पे भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला, काफी स्मूथली ये आपको गेम प्ले करा देगा एंड आपको जायरो वगैरह का भी सपोर्ट मिलता है दोस्तों। बाकी गेमिंग के दौरान मेरे को हीटिंग वगैरह थोड़ा सा महसूस हुआ है, मतलब नॉर्मल सा हीटिंग होता है, ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं है। तो नो डाउट ये एक चीज मैं कह सकता हूँ कि प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको काफी तगड़ी मिलने वाली है दोस्तों। मेरे को नहीं लगता है कि इस बजट में आपको मार्केट में कोई भी ऐसा फोन मिलेगा जो कि ऐसी परफॉर्मेंस आपको निकाल कर दे। बाकी इसमें UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है, तो ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग भी काफी अच्छी है दोस्तों। रैम मैनेजमेंट मेरे को इसका थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा क्योंकि 64 वाला वेरियंट है मेरे पास, ऑब्वियसली भाई रैम में ज्यादा देर तक एप्लीकेशन नहीं रखेगा। अब यहाँ पे नेटवर्क की बात करूँ ना तो ये फोन भाई एक 5G डिवाइस है और इसमें आपको डुअल 5G का सपोर्ट मिल जाता है, 4G प्लस का भी सपोर्ट मिलता है दोस्तों। मैंने कॉल वगैरह लिया था, कॉलिंग के दौरान मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, अच्छे से आवाज आता है, अच्छे से आवाज जाता है। नॉइजी एरिया में थोड़ा सा दिक्कत मेरे को करा, मतलब अगल बगल का शोर शराबा चला जाता है अगले पर्सन को, ज्यादा नॉइज होती है। तो ये जो फोन है जिस प्राइस पॉइंट में आता है, मैंने 464 वाला 11,000 में लिया है, उस प्राइस पॉइंट में फोन तगड़ा है। और अगर आप रेडमी 12 5G लेने की सोच रहे थे ना, तो देखो दोनों फोन जो है ना सेम है भाई, नाम का हेरा फेरी है, नहीं तो फोन जो है सेम है। रेडमी 12 के साथ आप जाओगे ना तो वहां पे शायद आपको 12,000 रुपया पे करना पड़े 464 वाले के लिए, शायद उसके साथ आपको 4128 मिल जाता है 12,000 में, तो स्टोरेज के लिए आपको 1,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और अगर आपका 11,000 वाला बजट है ना भाई, तो पोको के साथ जाओ, 464 आपको मिलेगा, आराम से यूज करो, 5G का मजा लो, गेमिंग वगैरह करके एकदम पबजी बोया जो करना करो भाई। बाकी इसकी कैमरा टेस्टिंग गेमिंग टेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, तो जिसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा काम है, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना है, और लाइक नहीं कर रहे हो तो कर दो भाई, देखो इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो उतना तो कर ही सकते हो। फिर मिलेंगे दोस्त कल 133 पे।